तारीख 2 सितंबर 2023 समय 11:50 यह हुआ समय था जब भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सौर वायुमंडल का स्टडी करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा एक क्रोनोग्राफ व्हीकल। यहाँ पर क्रोनोग्राफ का मतलब है एक ऐसा टेलीस्कोपिक अटैचमेंट जिससे किसी तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकने के लिए डिजाइन किया गया हो ताकि आसपास की वस्तुएं जो अधिक प्रकाश की वजह से छिपी हुई है उसे भी देखा जा सके। वैसे तो अधिकांश क्रोनोग्राफ का उद्देश्य सूर्य के कोरोना को देखना होता है। यहाँ पर कोरोना का मतलब है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर, यानी कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। यह सन की स्टडी करने वाला पहला इंडियन स्पेस मिशन है। यह लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 पॉइंट पर एस्टेब्लिश होगा। यहाँ पर L1 पॉइंट धरती और सूरज के बीच का वह भाग है जहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है, जिससे कि कम फ्यूल में अधिकतर L1 वर्क कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत ने ही सबसे पहले सूर्य मिशन भेजा है, बल्कि भारत से पहले 22 सूर्य मिशन सूर्य के नजदीक स्टडी करने के लिए भेजे जा चुके हैं। सूर्य की स्टडी करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सूर्य का स्टडी करने के लिए सबसे अधिक सूर्य मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 मिशन भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर 1994 में सूर्य मिशन भेजा था। वैसे भारत के इस सौर मिशन का मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना है। आदित्य L1 को एस्टेब्लिश करने के लिए L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? अगर देखा जाए तो धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैजरिंग पॉइंट मार्क किए गए हैं, पर सवाल आता है कि आखिर इतने सारे पॉइंट होने के बावजूद L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? दरअसल L1 पॉइंट को इसीलिए चुना गया है क्योंकि L1 पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी में फंसकर सूर्ययान कम ईंधन में अधिक जानकारी जुटा पाएगा और बड़े ही आसानी से सूरज से निकलने वाली किरणों की तस्वीरें और डाटा को धरती तक भेज पाएगा। यही वह कारण है जिसके चलते आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्या सूर्य के तापमान से आदित्य L1 पिघल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि L1 पॉइंट पृथ्वी से सूर्य की दिशा में सिर्फ 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी 1% है। बेशक लेजरिंग पॉइंट पर तापमान अधिक होगा, लेकिन कुछ हजारों या लाखों तापमान से कहीं कम होगा। साथ ही इन उपकरणों को इतना क्षमता के साथ ही तैयार किया गया है जिस कारण से ये उपकरण पिघलेंगे नहीं। आदित्य L1 मिशन के क्या लक्ष्य हैं? आदित्य L1 के कई सारे लक्ष्य हैं, जैसे कि सूर्य के वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता को समझना, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मार्स इमेजेंस यानी कि CMES की उत्पत्ति और विकास को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंध को समझना, सौर गतिविधि के प्रभाव को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना, और हमारा भगवान से यही कामना है कि भारत के यह मिशन जरूर से पूरा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हमारी मुलाकात जल्द ही कुछ खास जानकारी के साथ।